Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to discuss the same topic, public facilities, third part. So let's recap the previous part 1, जिसमें मैंने आपको बताया था अम्मू एंड कुमार they were traveling in a bus just to observe the condition of water supply in the city of Chennai. एंड जो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट टेल्स अस द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. याद आया आपको? तो रिकैप जो हमने किया, वाटर सप्लाई इन चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? नाउ यू गिव मी रिप्लाई, क्या सब जगह सब एरिया में वाटर सप्लाई सेम थी? यस नो, क्योंकि अन्ना नगर में वाटर सप्लाई बहुत अच्छी थी. एंड ऑन अदर हैंड सेडापेट जो एक स्लम एरिया था, वहाँ पे सिर्फ 20 मिनट्स दो बार पानी आता था. मीन्स वाटर सप्लाई वॉज अनइक्वल इन चेन्नई. चेन्नई में वाटर सप्लाई अनइक्वल थी. क्लियर? समझ में आ गया बेटा? देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटी इन चेन्नई. नाउ द बर्डन ऑफ शॉर्ट फॉल इन वाटर फॉल्स मोस्टली ऑन पुअर. और ये जो बर्डन है शॉर्टेज ऑफ वाटर या स्कार्सिटी ऑफ वाटर फॉल्स ओनली ऑन द पुअर पीपल. जो गरीब लोग होते हैं सिर्फ उनके ऊपर इसका बर्डन आता है. कैसे आता है? अपर क्लास फेस नो शॉर्टेज, क्योंकि अन्ना नगर रेजिडेंशियल कॉलोनी थी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते थे. वहाँ मोस्टली मीन्स 20 आवर्स दिस एरिया गेट्स द म्यूनिसिपल वाटर. तो सारा टाइम उनको पानी मिलता ही था. और जो दूसरे एरियाज थे वहाँ पे पानी की शॉर्टेज थी. एंड द मिडिल क्लास जहाँ पे अपार्टमेंट्स थे वहाँ पे दो दिन में आता था एक बार पानी. बट मिडिल क्लास फैमिली दे आर एबल टू कूप थ्रू द वैरायटी ऑफ मींस. लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज थी वो भी अपना काम इजीली चला लेती थी फॉर द वैरायटी ऑफ मींस. दे बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स. पानी की शॉर्टेज होती थी तो वो टैंकर्स मंगवा लिया करते थे. डिगिंग बोरवेल, जहाँ पे ब्रैकिश पानी आता था तो वो धुलाई के काम में आ जाता था. एंड यूजिंग बॉटल वाटर फॉर ड्रिंकिंग. और वो पानी पीने के लिए आरओ की बड़ी बड़ी 20 लीटर्स की बॉटल आती थी, वो खरीद के अपना काम चलाया करते थे. इट मीन्स ये जो अपर क्लास थी एंड द मिडिल क्लास वो अपना काम ईजिली चला लेते थे जबकि वाटर स्कार्सिटी भी थी. तो इसका मेन बर्डन किसके ऊपर पड़ा था? पुअर क्लास में जो दो डाउन ट्रोडन थे उनके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आई. एंड द शॉर्टेज ऑफ वाटर ओपेंड अप अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट कंपनीज. लेकिन ये जो शॉर्टेज ऑफ वाटर इट इज़ कंसिडर्ड एज द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो प्रोवाइड नहीं कर पाई. इस वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई फॉर द प्राइवेट कंपनी, वो भी इस एरिया में आए और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया. दे परचेज वाटर फ्रॉम फार्मर्स ऑफ नेबरिंग टाउन्स. और उन्होंने आस पास के गाँव से पानी परचेज करना शुरू किया, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी थी वो पानी सप्लाई कर रही थी लेकिन उनके पास पानी आएगा कहाँ से. तो उन्होंने आस पास के जितने नेबरिंग टाउन्स थे उन फार्मर्स से पानी परचेज करना शुरू किया. दे परचेज वाटर फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ नेबरिंग टाउन्स. और जो चेन्नई के आस पास था, मेमंदुर, पलूर, करंजजी, ये जो गांव थे यहाँ से दे सप्लाई वाटर इन चेन्नई. वहाँ से वो वाटर किसानों से लेते थे. एंड यूजिंग अ फ्लीट ऑफ ओवर 13,000 वाटर टैंकर्स. उनके पास 13,000 टैंकर्स का एक फ्लीट था जो वाटर सप्लाई करता था इन चेन्नई. ठीक है? एंड द फार्मर्स डू गेट इन एडवांस पेमेंट फॉर देयर वाटर रिसोर्सेस. और जो फार्मर्स थे वो पंप सेट चला के उनको वाटर प्रोवाइड किया करते थे और एडवांस में उनको पेमेंट कर दिया जाता था कि हमें आपका पानी चाहिए. तो नेबरिंग टाउन से पानी कलेक्ट करके प्राइवेट कंपनीज चेन्नई में वाटर सप्लाई किया करती थी. बट इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ? पंप से पानी निकाल निकाल के उन्होंने चेन्नई में सप्लाई कर दिया बट उनके अपने गांव में वाटर शॉर्टेज हो गई. ग्राउंड वाटर मीन्स ग्राउंड वाटर लेवल हैज़ सिग्निफिकेंटली गॉन डाउन,
क्योंकि जब इतना पंप करके पानी बाहर निकाला जाएगा तो जो वाटर लेवल था वो ड्रेस्टिकली वो क्या हो गया, डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस मीन्स पंपिंग हो रही है रोज की रोज फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज़। तो जो रूरल एरिया के अंदर जो इरिगेशन किया करते थे वो अपनी फसलों के लिए, उसके लिए पानी कम पड़ने लग गया। क्योंकि किसान लोग क्या करते थे, क्योंकि उनको एडवांस पैसा मिलता था तो वो पानी प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया करते थे और उनके अपने एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी कम पड़ना शुरू हो गया। क्लियर, इतना समझ में आया। ये तो है वाटर सप्लाई इन चेन्नई और वहाँ पे वाटर सप्लाई किस तरह किया गया और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ नेबरिंग टाउन्स में। नाउ इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन क्राउडेड सिटीज, मीन्स इट्स नॉट अ यूनिक प्रॉब्लम। ये हमारी क्राउडेड सिटीज में इंडिया के और भी कॉमन प्रॉब्लम है इन समर सीजन। समर सीजन में जो क्राउडेड सिटीज होती है वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम इज अ कॉमन प्रॉब्लम। क्यों कॉमन प्रॉब्लम होती है? पंपिंग आउट ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर से पानी बार बार निकाला जाता है रोज। एंड अथॉरिटीज यूजली ब्रिंग वाटर फ्रॉम रूरल एरियाज, जो मैंने आपको यहाँ बताया जैसे चेन्नई में, ऐसे ही और जगह भी होता है रूरल एरियाज से वो पानी परचेज करती हैं। एंड समटाइम दिस मे कॉज रिजेंटमेंट, और कई बार इसकी वजह से रिवोल्ट भी हो जाता है, गांव वाले ही रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स लिविंग नियर कनकावती डैम, कनकावती डैम इज इन गुजरात, दे रोज अप इन प्रोटेस्ट व्हेन अथॉरिटीज डिसाइडेड टू सप्लाई वाटर टू जामनगर टाउन फ्रॉम दिस डैम। इस कनकावती डैम से अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है कि हम जामनगर टाउन को भी पानी यहाँ से सप्लाई करेंगे, तो वहाँ के फार्मर्स ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया कि यहाँ से अगर पानी सप्लाई होगा तो हमारे खेतों में पानी इरिगेशन के लिए कम पड़ जाएगा, और उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। क्लियर, अच्छा। और ये कई बार क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट फेल हो गई है पानी सप्लाई करने में, तो कई लोगों ने ये कहा कि इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, जब गवर्नमेंट से नहीं संभल रहा है तो इसको प्राइवेटाइज कर दे, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज की सर्विसेज होती हैं नो डाउट वो बेटर होती हैं। क्लियर, शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर, सम इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि उसको प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, बट कम्प्लीटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कम्प्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो उससे बड़ी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बोलेविया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन टू प्राइवेट कंपनीज, वहाँ पे वाटर सिस्टम या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया। एंड स्टीप राइज इन परचेज, क्योंकि उनको क्या करना होता है, प्रॉफिट गेन करना होता है, तो स्टीप राइज इन प्राइजेस एंड पीपल रिवोल्टेड, और लोगों ने वहाँ पे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। एंड फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विसेज, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि जो वाटर सप्लाई की सर्विसेज हैं उसको दोबारा गवर्नमेंट ही रन करेगी, प्राइवेट कंपनीज नहीं करेंगी। समझ में आया, अच्छा। दूसरा एग्जाम्पल है पोर्टो अलेग्री ब्राज़ील का, सिटीज वाटर अचीव रिमार्केबल सक्सेस इन प्रोवाइडिंग सेफ वाटर, जो वाटर डिपार्टमेंट था उसको रिमार्केबल सक्सेस मिली वाटर प्रोवाइड करने के लिए, उन्होंने बहुत इजीली सब लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया। एंड डिक्लाइन इन इन्फेंट डेथ, और उसकी वजह से पहले मैं पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो एडल्ट्रेटेड गंदा पानी होता है उसकी वजह से बच्चों का डेथ रेट बहुत हाई है इन आर कंट्री। तो वहाँ पे पोर्टो अलेग्री में जब सेफ वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उसकी वजह से डिक्लाइन इन इन्फेंट डेथ, तो जो बच्चों का जो डेथ रेट था वो बहुत डाउन हो गया। प्राइजेस आर केप्ट लो, और जो प्राइजेस रखे गए वाटर पे बहुत कम रखे गए। एंड इवन द पुअर दे हैव टू पे बेसिक रेट, और जो पुअर थे बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन उनसे सिर्फ बेसिक रेट ही लिया गया, उनसे ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए गए। एंड प्रॉफिट री इन्वेस्टेड फॉर इम्प्रूविंग वाटर सप्लाई, और जितना प्रॉफिट उनको होता था वो री इन्वेस्ट होता था
वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब उसको कहीं और यूज़ नहीं करते थे, वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए ही वो पैसा यूज़ किया जाता था. इनफैक्ट पीपल डिसाइड विच प्रोडक्ट वुड सर्व देयर इंटरेस्ट बेटर, मीन्स इसमें कौन सा डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई करेगा, इसमें पीपल जो थे बहुत इंटरेस्ट लेते थे और वो डिसाइड करते थे. क्लियर? पीपल्स इन्वॉल्वमेंट भी था, इसकी वजह से वाटर डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. एंड इन आर कंट्री, हमारी कंट्री की बात करें तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई, VWD इन मुंबई जनरेट्स इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स एक्सपेंस, मीन्स अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए उसको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिला. क्लियर? इन हैदराबाद डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट हैज़ इंक्रीज कवरेज एरिया एंड रेवेन्यू कलेक्शन. हैदराबाद में वाटर सप्लाई जो होता था उसका कवरेज एरिया भी बढ़ गया और उनका जो कलेक्शन था रेवेन्यू कलेक्शन वो भी बहुत बेटर हो गया. एंड इन चेन्नई, चेन्नई में वाटर डिपार्टमेंट हैज़ अंडरटेकन मेजर, उन्होंने कई मेजर्स लिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन्होंने स्टार्ट किया जस्ट टू इंक्रीज द वाटर ग्राउंड वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका लेवल इंक्रीज करने के लिए उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग जगह जगह शुरू किया ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाए. एंड दिस डिपार्टमेंट हैज़ एंगेज्ड प्राइवेट कंपनीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना. इसके लिए उन्होंने प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया बट हैज़ फिक्स द रेट, लेकिन उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ रेट्स भी फिक्स कर दिए टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं लोगों से ओवर चार्ज ना ले सकें. मीन्स जो रेट है उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर सिस्टम कि किस तरह प्रोवाइड किया जाता है वाटर, और गवर्नमेंट अगर ढंग से काम करे तो इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है बेटा. और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी मेरे से पूछ सकते हैं. अदरवाइज आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.